गौरी को पुराने खजाने की कहानियाँ बहुत पसंद थीं एक दिन दादी की अटारी में उसे एक पुरानी किताब मिली किताब में एक नक्शा बना हुआ था जो जंगल के बीच छिपे खजाने की तरफ इशारा कर रहा था गौरी रोमांच से भर गई उसने अपनी टोकरी में रोटी पानी रखा और जंगल की तरफ निकल पड़ी नक्शे के मुताबिक वह पेड़ों के बीच से गुजरी नदी पार की और पहाड़ों के पास पहुंची रास्ते में गौरी को कई सारे रंगीन पक्षी दिखे और बंदरों की चीखें सुनाई दीं वह थोड़ी डरी लेकिन खजाने को ढूंढने का उसका जुनून बरकरार रहा आखिरकार नक्शा उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास ले गया पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ें बिखरी हुई थीं गौरी करीब गई और देखा कि वो सोने के सिक्के और रंगीन पत्थर थे गौरी खुशी से नाचने लगी भले ही यह बहुत बड़ा खज़ाना नहीं था लेकिन उसके लिए यह किसी जादू से कम नहीं था उसने सिक्कों और पत्थरों को अपनी टोकरी में रखा और खुशी से घर वापस लौट गई उस रात गौरी ने सपने में देखा कि पेड़ की आवाज़ आ रही है खुशी ही असली खजाना है गौरी गौरी जागी तो उसे एहसास हुआ कि पेड़ सही कह रहा था भले ही उसे सोने के ढेर नहीं मिले लेकिन रोमांच और खोज का ये अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा खजाना था